हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। साल 2020 का आगाज होने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। हर कोई नए साल के साथ बेहतर जिंदगी की शुरुआत करना चाहता है, लेकिन ज्योतिष विद्या की माने तो हर व्यक्ति के लिए ऐसा होना संभव नहीं होता। 2020 में कई राशियां शनि की साढ़े साती से प्रभावित होंगी। नए साल यानी 2020 में 24 जनवरी को शनि अपनी राशि मकर में गोचर करेंगे। धनु और मकर राशि में पहले से ही शनि साढ़े साती का प्रभाव चल रहा है। इसी साल शनि 11 मई 29 सितंबर तक मकर राशि में वक्री रहने वाला है। सभी ग्रहों में शनि के गोचर की अवधि सबसे अधिक होती है, क्योंकि ये ग्रह लगभग 2.5 वर्ष में राशि परिवर्तन करता है। इसलिए शनि के गोचर का मानव जीवन पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। जब शनि का राशि परिवर्तन होता है तो सभी ये जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि उनके लिए ये ग्रह गोचर क्या प्रभाव देने वाला है। कहा जाता है कि शनि लोगों को उनके कर्म के अनुसार फल देते हैं। शनि के शुभ होने पर व्यक्ति सुखी और खराब होने पर दुखी रहता है। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि 2020 में शनि की साढ़े साती किन जातकों के लिए शुभ और किन के लिए अशुभ रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लोग 2020 में शनि से ना घबराएं। इस पर शनि की साढ़े साती का प्रभाव नहीं रहेगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। साल 2020 में शनि की साढ़े साती आप पर भी नहीं मंडराएगी। मिथुन राशि वाले भी शनि के प्रभाव से मुक्त रहने वाले हैं। इनकी कुंडली में भी शनि की साढ़े साती का प्रकोप नहीं है। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों पर भी शनि की साढ़े साती का प्रभाव नहीं रहेगा। सिंह राशि। सिंह राशि वालों को भी साल 2020 में शनि परेशान नहीं करेंगे। कन्या राशि। वर्ष 2020 में कन्या राशि के लोगों पर शनि की साढ़े साती का असर नहीं होगा। शनि की दृष्टि से इस राशि के जातकों के लिए भी सब ठीक रहेगा। तुला राशि पर भी शनि की टेढ़ी नजर नहीं पड़ेगी। इस राशि के लोगों को शनि के संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वृश्चिक राशि। साल 2020 में वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में भी शनि की साढ़े साती नहीं है। धनु राशि। धनु राशि के लोगों को 2020 में सावधान रहने की जरूरत है। धनु राशि के जातकों पर शनि की साढ़े साती का प्रभाव रहेगा। साढ़े साती इस राशि के अंतिम चरण में है। मकर राशि। अगले वर्ष शनि का गोचर मकर राशि में ही हो रहा है। साल 2020 में इस राशि में शनि की साढ़े साती दूसरे चरण में रहेगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए भी अगला साल चिंताजनक हो सकता है। 2020 में आपकी साढ़े साती का प्रथम चरण शुरू हो रहा है। अगले 5 वर्षों तक यह आपकी कुंडली में रहने वाला है। आपको फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है। मीन राशि। मीन राशि के लोगों को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मीन राशि के जातकों की कुंडली में शनि की साढ़े साती नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।